हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इनसाइड वर्ल्ड क्लास चार लपाली रेलवे स्टेशन। अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को समझ नहीं आ चार रही थी। लपाली चालपाली है या तो चालपल्ली है, मतलब थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो लिखे हुए होते हैं यहाँ पर और उनमें फ़र्क होता है। अच्छा ये कोई वीडियो सजेस्टेड वीडियो है, एक भाई ने हमें सजेस्ट किया है, तो लेट्स गो चेकआउट करते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम दोनों के इंस्टाग्राम्स के लिंक भी मिल और जाएंगे। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर और अगर लेना। कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो आप लोग भी इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग लाजिम से उसके ऊपर रिएक्ट रिव्यू लाजिम करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंडियन रेल वैसे लग तो एयरपोर्ट ही रहा है, एयरपोर्ट है मतलब इतनी बड़ी पार्किंग एयरपोर्ट और इतनी बड़ी बिल्डिंग, दिखने में तो एयरपोर्ट ही लग रहा है। इसका आने वाला एक रेलवे स्टेशन है, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? जी हाँ, ये कोई अच्छा बाहर की साइड से दिखने में यही लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी अंदर इस तरह की कोई ग्राउंड टाइप जगह होगी जहाँ पर प्लेन्स उड़ने वाले या कुछ ऐसा, एयरपोर्ट लेकिन नहीं बल्कि आगे एक रेलवे स्टेशन रेलवे है जो कि स्टेशन बन है। रहा है तेलंगाना की कैपिटल सिटी यानी कि हैदराबाद में, और बहुत ही जल्द ये ओह, स्टेशन खोला हैदराबाद जाने में। वाला है आम पब्लिक के लिए। तो दोस्तों, ये है वो रेलवे स्टेशन जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, हैदराबाद का नया चरलापल्ली टर्मिनल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है जो उस साइड है और फंक्शनिंग है, बट जरूरत अच्छा यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पता चल गया, चरलपल्ली है और कि ठीक है। हैदराबाद को एक नए रेलवे स्टेशन की जो कि सिकंदराबाद जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है उसका लोड कम कर सके, और ओके, इसीलिए डेवलप किया गया है यहाँ पे बहुत चरलापल्ली खूबसूरत। टर्मिनल को, जहाँ पे कुछ एडिशनल प्लेटफॉर्म होंगे और कुछ ट्रेन जो है वो डाइवर्ट कर दी जाएंगी सिकंदराबाद से चरलापल्ली पे। तो बहुत ही आलीशान सा स्टेशन है, चलेंगे स्टेशन के अंदर, देखेंगे आखिर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में। अंदर चलेंगे देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि स्टेशन का ओवरव्यू की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इस पूरे एरिया का वो कैसा है। अच्छा ओवरव्यू बहुत वैसे अच्छा है। वैसे देखा जाए तो बाकी दुनिया में जितने भी मोस्टली अच्छे अच्छे भी रेलवे स्टेशन होते हैं वो किस तरह होते हैं, ओपन बने हुए होते हैं, खूबसूरत होते हैं, ओपन बने कंजेस्टेड हुए होते हैं, होते लेकिन हैं, ये माशाल्लाह ये बहुत कमाल। तो नए चरलापल्ली टर्मिनल को बेसिकली पुराने चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में ही बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर पैसेंजर्स और रेलवे वर्कर्स के लिए सारी सर्विसेज और एमिनिटीज हैं। मेन बिल्डिंग के अगल बगल पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉन्कोर्स है जिनमें से एक पार्किंग एरिया से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, वहीं दूसरा मेन बिल्डिंग को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ चार नए प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं और ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए चार नई पिट लाइंस भी बनाई गई हैं, और तो और लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लोको ट्रिप शेड भी बनाया गया है। तो ऐसा कुछ दिखता है नया चरलापल्ली टर्मिनल। अब आइए डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है चरलापल्ली न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का बुकिंग ऑफिस। तो अगर आप इधर से देखो तो यहाँ पे रिजर्व टिकट विंडो है, उसके बाद करंट बुकिंग विंडो है, उसके बाद अनरिजर्व कम रिजर्व टिकट विंडो है। यहाँ पे अगर आप ये देखो तो अनरिजर्व टिकट विंडो है, और इस साइड इंक्वायरी, और इस साइड है दिव्यांगजन टिकट विंडो। तो मतलब सभी के लिए ऐसा एक एक टिकट विंडो बना के रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अब वैसे भी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही हो जाती है, आप रिजर्व टिकट ऑनलाइन ले सकते हो, आप अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन ले सकते हो। तो ऐसे हमारे जो फिज़िकल आउटलेट्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती तो नहीं है, बट स्टिल रखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ दिखता है अगर आप आजू बाजू का भी माहौल देखो तो, मतलब पीछे गार्डन है, इस साइड गार्डन है, इधर पार्किंग है, और काफ़ी स्पेस है यहाँ पे दिया गया, और ऊपर शेल्टर भी दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब किसी को धूप में या बारिश में नहीं रुकना पड़ेगा। ये मेरे जस्ट ऊपर जो है ये एक ट्रांसपेरेंट शेल्टर है, और उसके ऊपर वाला जो है वो एक प्रॉपर सॉलिड शेल्टर है। तो ये सामने था बुकिंग ऑफिस, और यहाँ से जस्ट आगे अगर आप चलोगे तो ये आ जाएगा एंट्रेंस डोर। तो अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं कि ऐसी क्या कुछ खास चीज़ें हैं इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो इसे बहुत ही
खास बनाती है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न बनाती है। तो सीधे चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और देख। अच्छा वो जो टिकट्स वाला निज़ाम है वो चलो ऑनलाइन तो मेरे ख्याल से इंडिया में सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ को, हर लाइन को, हर चीज़ के लिए अलग से लाइन बना दी ताकि लोगों को रश भी ना बने। आता हूँ मैं आपको अंदर का नज़ारा। अंदर अच्छा एंट्री पे सिक्योरिटी गेट्स भी हैं चार, दो एंट्री के लिए, दो आउट के लिए मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं एग्ज़िट के लिए तो कुछ भी नहीं है, एग्ज़िट के एंट्री के लिए चार मशीन्स भी रखी हुई हैं और अंदर इंटर होके वो हाथों वाला, और मतलब बहुत बड़ी और तो ये है इस स्टेशन का एंट्रेंस। और जैसे ही आप इस बिल्डिंग में एंटर करते हो ना, मतलब वाव, ऐसा फील ही नहीं होता कि हम एक स्टेशन के अंदर है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये हैंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्वागत करता है दरवाजे से जैसे ही आप एंटर करते हो। इस साइड है एंट्री और दूसरे साइड है एग्जिट। सो प्रोबेबली अभी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, बट फ्यूचर में यहाँ पे बैग स्कैनर जो होता है एयरपोर्ट स्टाइल या फिर जो रेलवे स्टेशन पे भी देखा जाता है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पर सामने स्कैनिंग मशीन्स वगैरह होती है ना, क्योंकि जो लोग एंटर हो रहे होते हैं उनका सामान वगैरह चेक होता है तो उसके लिए लगाए जाएंगे। और इस साइड अगर आप देखो एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क देखने को मिलता है, जहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपको कोई पूछताछ करनी हो कुछ ऐसा, जैसा होटल्स पे रिसेप्शन होता है वैसे ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क रखा गया है, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी ट्रेन बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस स्टेशन बिल्डिंग में दी गई हैं जो कि वहाँ पर मेंशन है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर आपको सीधे जाने पर प्लेटफॉर्म देखेंगे, अभी रास्ता ब्लॉक है क्योंकि अभी जो है स्टेशन इनॉग्रेट नहीं हुआ है, अभी फंक्शनिंग नहीं है। मेरे पीछे वाले साइड जो कॉरिडोर है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए, फूड कोर्ट, अच्छा जी सारी की सारी चीज़ें वो भी हैं, मतलब एक प्रॉपर जैसे वो एयरपोर्ट होता है या जैसे एक शॉपिंग मॉल टाइप जगह होती है वैसे ही बनाई हुई है। और मेरे आगे साइड भी एक कॉरिडोर है, वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए। धीरे धीरे करके सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, दो डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए गए हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे एसी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे तीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तेलुगु जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, हिंदी जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस बोलते हैं, एंड इंग्लिश जो कि मतलब इंटरनेशनल पैसेंजर्स और इंडियन पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो बारी बारी करके देखेंगे, इधर एस्केलेटर्स है, उधर स्टेयर्स है, यहाँ पे लिफ्ट है, सब कुछ दिया गया है। एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या दिया गया है इस स्टेशन बिल्डिंग में जो इसे बनाता है बहुत ही ज़्यादा खास। तो ये है मेन हॉल, और सबसे पहले अगर अपन लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो अगर ये वाला एरिया देखो तो ये पूरा क्लियर एरिया है। उस साइड आपको एक लिफ्ट देखने को मिलेगी जो आपको ऊपर वाले कॉरिडोर पर लेके जाएगी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरा हॉल है इस हॉल में सीट्स अभी लगनी बाकी हैं, चेयर्स वगैरह लगेंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा एसी हुआ हुआ है, एयर कंडीशनल है, इसमें सारी की सारी सीट्स वगैरह लगेंगी ताकि लोग यहीं पर वेट भी करें। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट चलें तो सबसे पहले हमें एक वेटिंग रूम देखने को मिलता है। वेटिंग रूम ओपन करके देखते हैं कि आखिर अंदर क्या कुछ है। आई गेस लॉक्ड हो गई है, तो अभी तो लॉक्ड है बट एक वेटिंग रूम है। यहाँ पे दिव्यांग टॉयलेट आपको देखने को मिलता है, ये सब भी लॉक्ड है फिलहाल, आई गेस लॉक्ड होगा, यस अभी लॉक्ड है। तो दिव्यांग टॉयलेट, इधर वेटिंग रूम है लेडीज़ का, वो जो पीछे वाला था वो एक जनरल वेटिंग रूम था और ये एक लेडीज़ वेटिंग रूम है, ये भी आई गेस लॉक्ड ही होगा। और अगर नीचे आप देखो तो नीचे भी एक चलते हैं क्विक लुक देख कर आते हैं कि आखिर नीचे क्या है। नीचे आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है कि मोस्टली वर्किंग स्पेस होगा और शायद से ऑटो लेन जो है वो स्टेशन के पीछे साइड से ले गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो पीछे साइड वाला रास्ता है ऑटो लेन, उसके लिए पैसेंजर्स इधर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इधर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, और इस साइड अगर आप देखो तो ये स्टेशन वर्कर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि पार्किंग स्पेस है। हाँ नीचे आप ये ज़रूर देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिफ्ट है दोनों नीचे भी कनेक्ट करती है, इस साइड से भी आप लिफ्ट से नीचे आ सकते हो, उस साइड से भी लिफ्ट से नीचे आ सकते हो। और ये जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये ऑटो लेन होने वाला है, तो यहाँ से सीधे ऑटोज यहाँ पे आएंगे, आप ऑटो में बैठो वो और इस साइड से निकल जाएंगे वापस। आइदर ये पार्किंग लाइन मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है ये पार्किंग एरिया होगा ताकि जो है ना ट्रैफिक अगर बाहर से जो आ रहा है वो रुके ना, जिसने रुकना नहीं है वो यहाँ पर उतारे और निकल जाए, ऊपर ना आ सकते हैं वैसे, बट स्टिल मतलब इधर से जो है एक प्रॉपर पाथ है वो उनके लिए, तो आके ऑटो वाले यहाँ पे वेट कर सकते हैं और आप उनमें बैठ के आगे अपने
फर्दर घर तक जा सकते हो। तो ये था हमारा ग्राउंड लेवल, अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। अब यहाँ पे आपका हम इस साइड से शुरू करते हैं। तो ये है लेडीज कैप्सूल। अब जिनको पता होगा बेसिकली बहुत जगह आपने देखो पॉड होटल्स जो होते हैं, आई गेस शायद से ये वही होने वाला है। फिलहाल ये लॉक है बट जब होगा तो देखा जाएगा कि कैसा दिखता है अंदर से। और लेडीज़ कैप्सूल के जस्ट बाद है यहाँ पे जेंट्स कैप्सूल, उसके आगे जस्ट आगे फूड कोर्ट। तो यहाँ पे हाथ वाथ धोने की व्यवस्था और इधर है फूड कोर्ट का आई गेस एंट्रेंस। तो ऐसा कुछ दिखता है फूड कोर्ट, आई गेस फूड कोर्ट का जो मेन एरिया होने वाला है यही होने वाला है। तो इस साइड देखा हमने कि यहाँ पे था फीमेल कैप्सूल, मेल कैप्सूल और फूड कोर्ट। फूड कोर्ट प्रोबेबली इसी एरिया में लगेगा। आप देख सकते हो ये नीचे वाला जो सेंट्रल एरिया था वो इधर है और ये पूरा कॉरिडोर ऐसा दिखता है। यहाँ पे बेसिकली इस साइड से उस साइड जाने के लिए एक छोटा सा ऐसा पेव्ड स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको उस साइड जाना है तो नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा, आप इसी साइड से उस साइड जा सकते हो। अगर दूसरी चीज़ देखो तो यहाँ पे लिफ्ट दी गई है, लिफ्ट उस साइड भी है और इस साइड भी है। तो ये लिफ्ट हर जगह दी गई है, दोनों साइड दी गई है और यहाँ पे एस्केलेटर्स भी दिए गए हैं। तो ये रहा एस्केलेटर जिससे आप सीधे नीचे से ऊपर आ सकते हो। और इधर नीचे हमने देखा था, नीचे जो था एक नॉर्मल वेटिंग हॉल था और ये है प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल। तो अगर किसी को एसी में रुकना है, लाउंज टाइप का है, तो आप इधर आके रुक सकते हो। और इधर है फूड प्लाजा, तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आई गेस यहाँ पे पूरा अंदर फैसिलिटी होना चाहिए, आई होप सो। जेंट्स टॉयलेट, दिव्यांगजन टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट, बेबी फीडिंग रूम, तो ये भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई है कि अगर आपको बेबी फीड करना है तो आप इधर आके कर सकते हो। ऐसा कुछ दिखता है पूरा स्ट्रक्चर। ऊपर साइड आई गेस नॉर्मल लोगों के लिए होगा नहीं कुछ, ऊपर जो भी है एसी का सिस्टम होगा वही होगा, बट अगर जाकर देखना है तो वी कैन चेक वंस। तो यस, ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर बस जो एसी और एग्जॉस्ट यूनिट इन सब का जो स्ट्रक्चर है वही है, वो रहा हमारा मेन टर्मिनल। और अभी चलते हैं एंट्रेंस हॉल के राइट वाली साइड। ये पीछे रहा मेरा एंट्रेंस हॉल और अब हम चलते हैं राइट वाली साइड। तो इधर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एक एस्केलेटर है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और एक सीढ़ी है, प्रॉपर चौड़ी वाली सीढ़ी है। इधर चाहिए थोड़ी पतली वाली सीढ़ी है। और अगर आप इधर देखो तो आपको एक दिखता है एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बिजनेस क्लास ट्रेवलर्स हैं या फिर जो भी मतलब जिनको अगर अच्छा हाँ बिजनेस क्लास जिनके पास मतलब महंगी टिकट्स हैं, जो बिजनेस क्लास जो इस तरह के लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो उस तरह के लोग यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज पे रुकना है, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, वो इधर आके रुक सकते हैं। प्रोबेबली ये पेड होने वाला है। और आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेशन मैनेजर का रूम है और रिजर्व लाउंज है। तो एक रिजर्व लाउंज आपने ऊपर भी देखा था और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर का केबिन आप देख सकते हो और एक यहाँ पे रिजर्व लाउंज। बाकी इधर ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे बस ओपन एरिया दिया गया है। तो कुछ ऐसा यार, पहले तो ये पूरा का पूरा स्टेशन तो रेलवे स्टेशन नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अंदर फैसिलिटीज इतनी सारी है जो कि एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के अंदर होती हैं या तो फिर एक शॉपिंग मॉल के अंदर होती है। मतलब ये दो जगह हैं जहाँ पर ये वाली फैसिलिटीज होती हैं जो कि इन्होंने एक पूरे की पूरी सिर्फ रेलवे स्टेशन पे डाल दी है। और इंडिया इस टाइम पे रेलवे पे बहुत ज्यादा काम भी कर रहा है। और मजे की चीज ये है, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप लोग फिर भी ट्रेन का सफर करते हो, अच्छी ट्रेन का सफर कर रहे हो, इस रेलवे पे हो सकता है इस पे अच्छी अच्छी ट्रेन भी आए, जिस तरह वंदे भारत है, दूसरी तीसरी है, तो उनके लिए अगर आप बिजनेस क्लास वगैरह करते हो तो आप अच्छी जगहों पे बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, रुक सकते हो। तो मतलब एक फुल वही वाली आपको प्रीमियम लुक दे रहे हैं एयरपोर्ट जैसी। खैर अगर आपसे आपका इस वीडियो से रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।